नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के पूर्णिया जिला के श्रीनगर प्रखंड के गढ़िया बलुआ पंचायत में। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुनील पासवान जी हैं। युवा हैं, कर्मठ हैं और यहाँ के मुखिया हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पंचायत के लिए समर्पित हैं। आइए इनसे जानते हैं, 18 से 19 माह हो गए इनके चुनाव जीते हुए, इन वित्त वर्ष में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है इनको विकास कार्य में। रुक करते हैं और जानते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, सबसे पहले आपका हमारे बिहार न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी अमित जी, बिहार झारखंड चैनल को हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे पंचायत में बहुत आशा से हम लोग को मुखिया बनाए, हमको कि मुखिया जी बनेंगे तो बहुत सारा विकास करेंगे, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जनता के बीच में जाना आना होता है हमेशा। क्यों नहीं कर पा रहे हैं विकास, क्या रीज़न है? विकास नहीं होने के कारण है कि सरकार तो एक तो कुछ दे नहीं रहे हैं, उसके बाद भी 15वें सिस्टम में अगर 2-4 लाख रुपया 6 लाख रुपया भेजते हैं तो टाइट एंड टाइट का झमेला है। जमीनी स्तर पे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ गली बने, कहाँ नाली बनेगा, ये तो हम लोग ना डिसाइड करेंगे। क्योंकि हमको ग्रामीण आके बोलते हैं, मुखिया जी हमारा नाला नहीं बना। आप इस पंचायत के प्रधान हैं, प्रधान का मतलब जैसे देश के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, आप इस पंचायत के प्रधान हैं, क्या अधिकारी पदाधिकारी इस बात को रखते हैं, आपके बातों को रखा जाता है उनके सामने, वो मान सम्मान रखते हैं आपका? देखिए, पदाधिकारी जो भी हैं, अभी किसी भी प्रतिनिधि का सही से बात नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ पूछना हो, अगर हम लोग जाते हैं ब्लॉक तो देखते हैं कि मिलने के बाद आश्वासन दिया जाता है, हाँ मुखिया जी हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी छोटा सा जाति आय के लिए मुखिया जी के पास आते हैं, जैसे कि अभी खुलवाए थे हम लोग को पंचायत में, उसका आईडी ही नहीं मिला। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग परेशान होते हैं, उसके बाद जाते हैं कोर्ट से एफिडेविट करवा के लाते हैं, हम लोग लिखित करके दे देते हैं, उसके बाद भी पंचायत सचिव बोले जाँच करेंगे, जब सरपंच साहब लिख के दिए, मुखिया जी लिख के दिए, जाँच करने का आप कीजिए, करके 2 दिन में 4 दिन में दे दीजिए, लेकिन आदमी जाता है ब्लॉक, वहाँ से घूम के आता है, परेशान होकर फिर हमारे पास थके हारे आते हैं, हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं खुल के बोल। सर, मुझसे जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं। जो सरकार जो आप लोगों पे ये कष्ट ढा रही है, आपकी कथना अनुसार समाज के बीच आप नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। बिल्कुल, जब हम गाँव में जाते हैं, कोई मरकी हो गया, फ़ोन करते हैं मुखिया जी आइए, हम लोग जाते हैं, कबीर संतुष्टि का तो कोई कहानी नहीं रहा, लाभ ही नहीं मिलता, लाभ ही नहीं मिलता है, हम लोग अपना पैकेट से देते हैं, उसके बाद बोलते हैं मुखिया जी हमारा घर देखिए कितना टूटा फूटा है, आप बोले थे कि आप मुखिया बन के आएंगे तो हम आपको आवास दिलाएंगे, लेकिन कहाँ दिला पा रहे हैं मुखिया जी, क्या हो गया आपको, जितने न बनाने से क्या फ़ायदा। तो हम लोग बहुत शर्म महसूस करते हैं उस समय, जनता के बीच खुल के नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि जिस तरह ग्राम सभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, इसी तरह आपके ग्राम सभा का भी चुनाव होता है, जनता आपको चुनती है, लेकिन जनता पे आप नहीं उधर पा रहे, सरकार के ये जो योजना पे आप जो आपके पंचायत में जो योजनाएं हैं, उस जो सरकार के पीछे जो चिट्ठी आती, उस चिट्ठी के अनुसार आप काम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, जैसे कि ग्राम सभा में हम लोग योजना को लेते हैं, तो ग्राम सभा में जो योजना लेते हैं कि ये 300 फीट 250 फीट 50 फीट भी लोग को बनाना जरूरी है, क्योंकि जहाँ जितना दूरी है उस हिसाब से करते हैं काम, तो लेकिन कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमको वहाँ रोड बनाना है तो वहाँ सरकार कह रहा नाला बनाइए, हमको अगर नाला जहाँ बनाना है वहाँ रोड बनाइए, इस तरह से तो जमीनी स्तर पे तो हम लोग देखते हैं ना। थोड़ा सा विकास के मुद्दे पाते हैं मुखिया जी, नल जल की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल जल तो पूरा फेलियर है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या आपके पंचायत में धरातल पे है? नहीं, ये बिल्कुल फाइल है नल जल। इसके लिए कभी आपने लिखित आवेदन दिया? हमने कई बार जेई साहब को फ़ोन किया, कई बार वीडियो साहब को भी फ़ोन करते हैं, वीडियो साहब भी हमारे सामने में भी जेई साहब को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। और 10 दिन 15 दिन 1-1 महीना तक नल जल का पूरा हल रहता है, ये ऐसा स्थिति है। शिक्षा की किसी व्यवस्था आपके पंचायत में? शिक्षा में, शिक्षा का ये स्थिति है कि जैसे हम लोग कभी काल चले गए स्कूल में घूमने के लिए, बच्चे को जब देखते हैं पढ़ते हुए बच्चे को और टीचर को देखते हैं तो बहुत लापरवाही है। और जैसे हम लोग जाएंगे, हम जाते हैं, मेरे साथ भी कोई जाता है सहयोगी ग्रामीण भी, तो किसका कोई मास्टर का कोई जो उसका हेडमास्टर है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे प्रतिनिधि आए हैं, हमारे पंचायत के प्रधान आए हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, नहीं
नहीं तो वो झंडा तोलन में, नहीं तो कोई चीज में उसको कोई मतलब नहीं, यानी मान सम्मान नहीं रखता, मान सम्मान नहीं रहता है। स्वास्थ्य की किसी व्यवस्था मुखिया जी आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में तो एक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि वो इतना जर्जर स्थिति में है, कई बार उसमें जमीन भी है, और सीएस साहब को भी हमने जाके उससे मिले, उसको बोले कि इसका जमीन का पेपर आपके पास है, निकाल के दीजिए, इसको सही से बाउंड्री साफ सफाई मेंटेन में रहेगा तभी ना जा पाएगा जनता, वहाँ उस टाइप का है ही नहीं। और कोई आश्वासन दिए लेकिन पूरा कोई काम नहीं हुआ। डॉक्टर सेरम वगैरह आती है, दवाई वगैरह वितरण होता है? हाँ वो आती है, लेकिन वहाँ बैठने का जगह उस टाइप का नहीं है तो कैसे बैठेगी, पूरी जर्जर स्थिति है। हाँ जर्जर स्थिति है, हम उसको शिफ्ट भी करना चाह रहे थे पुराने पंचायत भवन में, लेकिन उसको भी नहीं कर पाए, तो जनता के बीच हम क्या लेके जाए। 18 से 19 माह हो गए, 2 साल का कार्यकाल आपका मुखिया जी पूरा हो गया है, 3 साल बचे हैं पंचायत में, क्या क्या विकास कर पाएंगे पंचायत में आप? 15वें वित्त आयोग से और सस्टम से और मनरेगा से आपने क्या क्या विकास का कार्य किया है बीते वर्ष में, जो आपको राशि मिली थी, क्योंकि 7-8 महीने से तो आपको कोई किसी प्रकार का कोई राशि मिला नहीं है। हमारे पंचायत सरकार भवन का स्थिति बहुत जर्जर था, उससे हम 15वें वित्त से ठीक कराएँ, अच्छा भी करवाएँ, यात्री सेट बनवाए, कुछ जगह जाने का बहुत परेशानी था, रोड का रोड भी हम बनवाए हैं, जितना आया उतना हम करके बैठे हुए खाली अभी। सिस्टम से भी कुछ किए हैं? हाँ सिस्टम से भी किए हैं, रोड बनवाए हैं जी। और क्या कहते हैं, पूर्णिया जिला में मोटा मोटी रखिए, एक ठो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हम ही से देख लेता हूँ क्या जो किए हैं, कि सरकार का जो है कि पानी वेस्ट नहीं जाए उसका काम हमने कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, उस पर हम काम किए हैं। मनरेगा से भी कुछ विकास हुआ है? हाँ मनरेगा से हुआ है, कुछ मिट्टी भराई हुआ है रोड का, जो जर्जर था उसको मिट्टी दिलवाए हैं, लेकिन मिट्टी रहता है कितना दिन, वर्षा पानी। हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं अपने विशेष अधिकार के लिए, पंचायत के लिए, अपना मान सम्मान के लिए? बिहार सरकार से हम लोग का मांग है, और हमारे पूरा मुखिया का, सभी का, जो कि हम लोग का जो पंचायत का पहले से महात्मा गांधी जी का जो है ग्राम पंचायत का वो चीज़ सारा लौटा दे हम लोग को काम करने दे फ्री, ताकि जनता के बीच अच्छे से काम कर सके। कोई एजेंसी बीच में नहीं, आप यही चाहते हैं? हाँ एजेंसी के माध्यम से तो देखिए रहे कि सोलर लाइट जो लगा, और सब मुखिया लोग हम लोग जो धरना में आए थे तो सब बताए कि नहीं चल रहा, हमारे यहाँ तो नहीं लगा है, लेकिन जो पंचायत में लगा है उसका सब दिन देखिए, वीडियो में भी देखते हैं कि शाम होने के बाद जलता ही नहीं है, और जितना 33,000 का वो सोलर लाइट है, और एक वार्ड में 10 गो दिए हैं, 10 गो से क्या होगा, कुछ नहीं होना है, हम कहाँ लगाएं, हम किससे विरोध करें, जनता के बीच कैसे खड़ा हो, वहाँ हमको एक वार्ड में चाहिए, एक वार्ड है हमारा 1 किलोमीटर तक, 10 ठो कहाँ लगाएंगे, 3 किलोमीटर तक है, तो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जिस तरह सरकार का यह है। क्या मांग रखेंगे सरकार से? आप युवा है, क्या मांग रखेंगे सरकार से? नल वाला हाल सरकार का भी होने वाला है इसमें, स्ट्रीट लाइट में, दूसरा कुछ नहीं, जो हाल देख रहे नल जल में वही हाल स्ट्रीट लाइट में भी होगा, सरकार का ये भी योजना। अपने अधिकार के लिए भी कुछ करना चाहेंगे? हाँ अपने जैसे हम लोग मुखिया हैं, 12 बजे रात में निकलना पड़ता है, कॉल आ जाता है मुखिया जी देखिए तबीयत खराब है, लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, कोई बीमार हो गया, तो रात में हम लोग निकलना बहुत अपने आप को महसूस करते हैं कि रात में जाएं कोई घटना नहीं हो जाए, हमारे साथ तो पहले घटना भी हो चुका है, हमारे यहाँ आवास पे गोली बंदूक भी चल चुका है, लेकिन हम लाइसेंस के लिए सम्राट चौधरी जी माननीय मंत्री जी जो बोले थे हम लोग को, फिर जो है कि कुछ नहीं मिला, यानी जान माल की क्षति की डर है आपको? जान माल की क्षति की डर है, और अब भयभीत रहते हैं हम लोग, रात में निकल नहीं पाते हैं, दिन में भी कहीं वो 17 का पंचायत है दबंग है तो वहाँ हम लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं, अगर हमारे साथ में कोई रक्षा रहेगा सुरक्षा रहेगा तभी ना हम बोल पाएंगे काम कर पाएंगे। ये थे सुनील पासवान जी इस पंचायत के मुखिया, इनका कथना अनुसार ये कहना चाहते हैं, इनके कहने का माध्यम यही है, और कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जनरल, जो पूरे बिहार में फेल्योर है, उसी तरह से ये ब्रेडा जो सोलर स्ट्रीट लाइट का काम लिया गया है, जिसपे मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट का नाम लिखा गया है, वो पैसा जो है पंचायत से जा रहा है, और वो भी उसी स्थिति में, काफ़ी उसकी जो गुणवत्ता है काफ़ी घटिया गुणवत्ता है, और साथ में ये कहना चाह रहे हैं कि मुखिया हैं ये, पंचायत में भ्रमण करते हैं, किसी तरह की पंचायती होती है, भयभीत रहते हैं, पूर्व में इनके साथ हादसा हो चुका है, इनके आवास पे गोलीबारी भी हुई है, केस चल रहा है, दो बाईस मेरा केस भी चल रहा है, इनका केस भी चल रहा है,
ये चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि सरकार तक बात पहुंचे और इस पंचायत का विकास, स्तरीय विकास अच्छे से हो और इन्हें एक सुरक्षा का साधन मिले, या तो सिक्योरिटी गार्ड मिल जाए या इन्हें एक आर्म्स मिला जाए। कैमरामैन रोहित के साथ अमित कुमार, बिहार न्यूज।